सामग्री: 1.5 कप बेसन, 1 कप गरम किया हुआ दही, टोमेटो की प्यूरी और उसके अंदर लाल मिर्च, टोमेटो, नमक, पुदीना, ग्रीन मिर्च की चटनी, जीरा, राई, करी पत्ता और ग्रीन मिर्च, तेल और ग्रीन कलर और खोबरे का भूरा और पानी। एक कढ़ाई में बेसन डालकर उसके अंदर दही डाल देना चाहिए और इसके अंदर 1 गिलास पानी डालना चाहिए। गैस चालू करके धीमी आंच पर 10 मिनट हिलाना और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल देना। 10 मिनट के बाद ये गाढ़ा होने के बाद इसमें 3 भाग करने चाहिए, जैसे 3 कलर है इसलिए 3 भाग करके एक कढ़ाई में थोड़ा निकाल देना चाहिए। अभी कढ़ाई में अपना ग्रीन मिर्ची का पेस्ट और थोड़ा कलर, ऐसा 2 मिनट हिलाने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म पे या थाली पे तेल लगा के इसको स्प्रेड कर देना ऐसे। दूसरे मिश्रण में हल्दी या येलो कलर मिला तो डाल के हिला के अच्छे से 2 मिनट हिला देना। फिर बाद में ग्रीन कलर के ऊपर इसको ऐसे पूरा स्प्रेड करके इसको 2 मिनट ठंडा होने के बाद इसके ऊपर तीसरा अपने को टोमेटो की प्यूरी और लाल मिर्च का पाउडर मिक्स कर देना और 2 मिनट हिलाने के बाद पूरा स्प्रेड करके इसको एकदम अच्छे से स्प्रेड करके 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देना। 5 मिनट के बाद ठंडा होने के बाद ये ऐसे अपने को निकाल के रोल बना देना, ऐसे आराम से रोल बना देना। निकाल करके ऐसे रखना, फिर इसके ऊपर फोड़नी देनी है। फोड़नी की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में तेल डालना, 2 चम्मच तेल, छोटा चम्मच। इसके अंदर तेल गरम होने के बाद जीरा डालना, राई डालना और कड़ी पत्ता, मिर्ची डालकर गैस बंद करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।